ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरा सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, मराजो और इनोवा, आज इन दोनों को कंपटीशन हम करके देखते हैं कि कौन सी गाड़ी बेहतर है और कौन सी गाड़ी में क्या चीज है, जितने पैसे उस गाड़ी में लग रहे वर्थ है कि नहीं है। आज हम दोस्तों सिर्फ बेस मॉडल की बात करेंगे, मराजो और इनोवा। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अपील करना चाहूंगा कि वीडियो जब भी बंद कीजिए एक बार लाइक या डिसलाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और ये शेयर कीजिए। जो अभी अग्रेसिव सी का हॉट सेलिंग कार्स हैं, ये अलिया दो कार्स हैं जो जिनको एक कार तो जिसने वर्चस्व पूरा बना रखा है कि उसके मुकाबले कोई कार नहीं है ऐसे लगता है। और दूसरी अभी लेटेस्ट ही लॉन्च की गई है महिंद्रा की तरफ से। डिजाइन से शुरू करते हैं। डिजाइन की अगर बात करें तो फ्रंट ग्रिल शार्क टाइप जैसे बात चल रही है, उसके सारे वेरिएंट्स और डिटेल्स मैंने डाल रखी हैं ऊपर। ये आई बटन पे क्लिक करके आप देख लीजिए, उसमें आपको डिटेल सारी पता लग जाएगी क्या क्या वेरिएशंस है और क्या क्या डिजाइन में है और क्या क्या इसकी कीमतें हैं वेरिएंट के हिसाब से। उसकी दोस्तों बात अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है तो उसकी बात भी करेंगे। इनोवा के साथ मुकाबला करेंगे जो सबसे पुरानी कार इस सेगमेंट में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हालांकि इनोवा बहुत महंगी है, इससे ऑलमोस्ट 4.5 से 5 लाख रुपए के बेस मॉडल में ही फर्क है। अगर कीमत की बात करें तो 9,99,000 यानी कि तकरीबन 10-11 लाख रुपए के करीब हमें मराजो पड़ती है और इनोवा हमें तकरीबन 14.5 और 15 के बीच में पड़ती है। डीजल की बात करेंगे, पेट्रोल की बात नहीं करेंगे हम। अगर लेंथ की बात करें तो 4585, विड्थ 1866, 1774, हाइट और व्हील बेस 2760 है इस मराजो की। अगर बात करें, अगर इनोवा की बात करें तो इसका लेंथ इसकी 4735 mm यानी तकरीबन 150 mm के करीब ज़्यादा हो गई, 150 mm के करीब ज़्यादा हो गई। विड्थ इसकी थोड़ी सी कम है, उसकी 1866 है, इसकी 1830 है। हाइट 1774 मराजो की है, 1795 इनोवा की है। अगर व्हील बेस की बात करें तो इस मराजो थोड़ी सी 10 mm बढ़ जाती है, यानी 2750 mm इनोवा का है। हेक्सा इसमें सबसे ऊपर है, 2850 mm उसका व्हील बेस है। अगर इंजन की बात करें तो दोस्तों 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो इंजन डाला गया, 1500 cc के तकरीबन इंजन हो गया जो मराजो के अंदर डाला गया है। वहीं पे अगर इनोवा की बात करें तो 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन डाला गया है। 122 PS की पावर मराजो में है, 150 PS की पावर इनोवा में है। 300 Nm की टॉर्क मराजो जनरेट करती है, 343 Nm की टॉर्क इनोवा जनरेट करती है। 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में मराजो में आते हैं और 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में इनोवा में हमें पाए जाते हैं। अगर एवरेज की बात करें दोस्तों तो छोटा इंजन होने की वजह से थोड़ा फायदा उठा के ले जाती है। 17.3 की एवरेज ARI सर्टिफाइड हमें क्लेम करते हैं, बाकी हम ऑन रोड चला के इसको देखें कितनी एवरेज हमें देती है मराजो। वहीं पर अगर इनोवा की बात करें तो 13.70 की एवरेज के करीब ये क्लेम करते हैं इनोवा के लिए। और अगर दोस्तों सेफ्टी की बात करें तो 2 एयरबैग के साथ एक नी एयरबैग भी आता है इनोवा के अंदर, लेकिन मराजो में टॉप वेरिएंट में भी सिर्फ 2 एयरबैग ही आते हैं। हालांकि ABS, EBD, चाइल्ड आइसोफिक्स ये चीजें दोनों के अंदर शुमार हैं। दोस्तों अगर हम इन चीजों के जो इंजन की हमने फैसिलिटीज देखी या लेंथ विड्थ देखी तो तकरीबन इनोवा के मुकाबले की बराबर गाड़ी बन जाती है, लेकिन इंजन थोड़ा सा छोटा हो गया। ये अगर हम बात करें तो अर्टिगा से थोड़ी सी बेहतर, अगर प्रीमियम कार हमें चाहिए और इंजन थोड़ा बड़ा चाहिए उससे तो मराजो हमारे लिए बनी है, नहीं तो इनोवा इससे फार बेटर कार है, बहुत अच्छी कार है इससे और उसका इंजन भी बहुत बड़ा है इससे। लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं सिर्फ एक साइज की वजह से, जिसको बाकी 7 सीटर की जरूरत है, 1500 cc का इंजन, थोड़ा अंडर पावर सा लग रहा है, लेकिन इसके वेट की वजह से भी ये गाड़ी थोड़ा सा फायदा उठा के ले जाती है। अगर हम दोस्तों इसकी खासियत की और बात करें तो ऑल डिस्क ब्रेक ही आ रही है बेस वेरिएंट से ही। हालांकि इनोवा हमें सिर्फ फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में इसके ड्रम ब्रेक ही मिलती हैं। अगर हम टायर साइज की बात करें तो 215/65R16 टायर हमें मिल जाते हैं मराजो में, 205/65R16 टायर हमें मिल जाते हैं इनोवा में। अगर हम दोस्तों फ्यूल टैंक की बात करें तो 45 लीटर का मराजो में है, 55 लीटर का हमें इनोवा मिल जाता है। उसके बाद जो हमें चीज़ें मिसिंग मिलती हैं मराजो के अंदर वो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडजस्टेबल टिल्ट पावर स्टीयरिंग जो बेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, डोर एंड ट्रंक अजार वार्निंग जो है वो हमें इसके अंदर मिसिंग है जो कि इनोवा के अंदर है। वहीं पे उल्टा अगर हम बात करें कि मराजो के अंदर जो है इनोवा में मिसिंग है वो है जी टेल गेट अजार, लगेज हुक
और ड्राइवर मोड, जो ड्राइविंग के मोड थे जो, और एसी का मोड जो है वो मिसिंग है उसके अंदर। दोस्तों अगर बात करें एंटरटेनमेंट की, तो इसके अंदर बेस मॉडल के अंदर कुछ भी नहीं आता, लेकिन इनोवा के अंदर हमें फ्रंट एंड रियर में एक स्पीकर मिल जाते हैं और एक म्यूजिक सिस्टम हमें साथ में मिल जाता है। उसके बाद स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड आइसोफिक्स, सीट मैट्स और इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो पावर लॉक, ये सारी चीज़ें हमें मराजो के अंदर मिलती हैं जो कि इनोवा के अंदर मिसिंग है। और इसके अंदर रियर वाश वाइपर और रियर डिफॉगर जो है हमें इनोवा के अंदर मिल जाती हैं और मराजो के अंदर मिसिंग है। दोस्तों अगर ये चीज़ें देखें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा विकल्प प्राइस के हिसाब से तो बन जाता है, लेकिन इनोवा की अगर आप कहें कि 4 लाख रुपए लगा के हमें मिलता क्या है, तो 4 लाख रुपए उसका वर्थ मेरे को दिखता है। गाड़ी फार बेटर है, मोर सुपीरियर कार है, लेकिन अगर हम वहां तक नहीं जा सकते तो क्या मराजो हमारे लिए एक ऑप्शन बन जाती है? बिल्कुल बन जाती है दोस्तों। ये अपने तरफ से जो 4 या 5 लाख रुपए जो कीमत डाउन है इसकी, ये वर्थ बनती है। वेरिएंट के हिसाब से भी जेनुअन है और थोड़े से दिनों में हम चला के भी देखते हैं उसको, और उसका क्या पता लगेगा कि क्या चीज उसके अंदर वर्थ है, क्या चीज उसके अंदर नहीं है, कौन सा वेरिएंट वर्थ टू बाय है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक।